यहाँ से भवन 3 किलोमीटर दूर है अभी। भवन के रास्ते में हिरण भी मिल रहे हैं। अभी हम भवन पे पहुंच गए हैं, मनोकामना भवन के पास हैं और ये है माता रानी के भवन पे सजावट। ये स्काई वॉक नया बनाया अभी। जय माता दी, स्वागत है आपका पीस मंत्रा की एक नई वीडियो में। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अर्धकुंवारे से भवन तक की यात्रा पे अपने। और देखिए सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा, बहुत सारे लोग विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। जय माता दी। अभी हम आए हैं अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन करने के लिए और ये गर्भजून गुफा है। सभी लोग दर्शन करके यहीं से बाहर आते हैं, तो नवरात्रों की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हम यहीं से दर्शन करके बाहर जा रहे हैं। जय माता दी। अभी हम भवन के लिए जा रहे हैं। ये भवन का रास्ता है हिमकोटी मार्ग। बहुत सारे लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं, जगह काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। नवरात्रों के शुभ अवसर पर अभी हम जा रहे हैं भवन के लिए। ये हिमकोटी मार्ग है, ये प्लेन रास्ता है और हाथीमत्था मार्ग थोड़ा चढ़ाई वाला है। और रास्ते में जगह जगह शौचालय बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यात्रा करने में। सारी सुविधाएं मिल रही हैं। भीड़ थोड़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको दर्शन करने में। माता जी के मंदिर जाने का रास्ता है वे टू भवन। हम आ गए हैं हरिद्वार। ये रास्ता जो जा रही है ताराकोट मार्ग के लिए जाता है, वो रास्ता है तो ये यहाँ के कनेक्ट करता है। और अगर आप यहाँ से 2 किलोमीटर लंबा रास्ता पड़ता है, और ये भवन के लिए लेफ्ट में जाना है, राइट में जाएंगे तो आप हाथकुआरी भवन के लिए पहुँच जाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं भवन पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जय माता दी। यहाँ से भवन 5 किलोमीटर रह गया, तो चलिए चलते हैं भवन की तरफ। जय माता दी। सत्या भोजनालय आने वाला 505 मीटर पे। ये लैंडस्लाइड जोन है, यहाँ पे नेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे बैठिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए, जय माता दी बोलते रहिए। तो हम चल रहे हैं भवन की तरफ। सुबह के 6:15 बज गए हैं और अभी भीड़ काफी ज्यादा है ट्रैक पे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी हम हिमकोटी के डोसा पॉइंट पे आ गए हैं। ये देखिए भोजनालय हिमकोटी का।
भवन 3 किलोमीटर दूर है अभी और हम चल रहे हैं भवन के लिए। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ से भवन 2.25 किलोमीटर बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। भवन में आरती चल रही है। यहाँ से भवन 1.5 किलोमीटर दूर है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी। और सुबह का टाइम 7:30 बज गए हैं अभी और मौसम अभी थोड़ा अचानक से चेंज हो गया, ठंड बढ़ गई है। भवन की पहली झलक मिल गई हमें। भवन देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी 1 किलोमीटर और है यहाँ से भवन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। भवन यहाँ से 750 मीटर दूरी पे है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। धीरे धीरे हम चलते जा रहे हैं भवन की तरफ। आज नवरात्रे का दूसरा दिन है, दिन सोमवार 16 अक्टूबर और सुबह के 7:30 बज गए हैं। बंदर सारे उठ गए हैं, देखिए उत्पात मचा रखे हैं इन्होंने, सामान छीलना चालू कर दिया इन्होंने लोगों से। जंगले वहाँ खिलाना उसको, तो अरे खिलाना पेड़ पौधे में खिलाओ, वहाँ से नीचे से यहाँ से खिलाओ, यहाँ से खिला, इधर देना इसको, इसको दे, यहाँ खा लेगी इसमें से, तोड़ के दे, तोड़ के। माता रानी का भवन सामने ही है और हम पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे भवन पे। और सामने दुर्गा भवन भी दिख रहा है और ये बैटरी कार्ड स्टैंड के पास पहुंच गए हैं हम लगभग। तो ये पार्वती भवन है और 12 अक्टूबर इसका उद्घाटन हुआ था, राष्ट्रपति जी ने किया था। से प्रसाद खरीद सकते हैं। अरे सो अभी हम भवन पे पहुंच चुके हैं और 8 बज गए हैं सुबह के और आरती चल रही है भवन पे इस टाइम। तो दर्शन रुके हुए हैं, हम थोड़ा रुक के जाएंगे, लाइन में लगेंगे दर्शनों के लिए। अभी हम भवन पे पहुंच गए हैं, मनोकामना भवन के पास हैं और ये है माता रानी के भवन पे सजावट, बहुत ही सुंदर हो रखी है देखिए। जुग जुग जी रे तेरा ज
मनोकामना भवन। यहाँ पे भोजनालय भी है, डोमेट्री भी मिल जाती है। और देखिए भवन पे बहुत ही सुंदर सजावट हो रखी है। और ये मनोकामना भोजनालय और ये है रोपवे के लिए लाइन लगी पड़ी है देखिए लोगों की। यहाँ पे भी भेंट शॉप है, अगर आप वहाँ से नहीं लेते प्रसाद तो यहाँ से भी ले सकते हैं प्रसाद। और ये देखिए रोपवे के लिए लाइन कितनी ज़्यादा लगी हुई है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है भवन पे। जय माता दी। और ये है हिमकोटी मार्ग वाला रास्ता, और ऊपर से जो रास्ता आ रहा है वो हाथी मत्थे वाला रास्ता है, ये देखिए ऊपर वाला। जय माता दी। और ये है हम भवन पे एंट्री कर रहे हैं, तो अभी हम चल रहे हैं भवन की तरफ। और ये देखिए सजावट बहुत ही सुंदर हो रखी है माता रानी के भवन पे, और भीड़ भी काफी ज्यादा है। ये और रोपवे की लाइन लगी हुई है। पूरे भवन की सजावट ऐसे ही फूलों से हो रखी है, और ये लगभग 5 करोड़ रुपए के फूल हैं, और काफ़ी अच्छा सजा हुआ है पूरा भवन। तो चलिए आपको आगे भी दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं। सुबह हम 8:30 बजे भवन के पास पहुंच चुके हैं, और ये देखिए भैरव बाबा के लिए लाइन लगी है रोपवे के लिए। सभी लोग रोपवे के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, और हम चल रहे हैं आगे लोकर के पास और देखते हैं कितनी भीड़ है वहाँ पे भवन पे दर्शनों के लिए। स्काई वॉक जो बना था नया, अभी 12 तारीख का इसका उद्घाटन हुआ था। ये स्काई वॉक नया बनाया, अभी इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति जी ने 12 अक्टूबर को। तो यहाँ से हम जाएंगे दर्शन करने के लिए भवन पे। तो चलिए पहले लॉकर में चलते हैं, सामान जमा करते हैं, फिर आते हैं दर्शन करने के लिए। जय माता दी। अभी हम आ गए हैं लॉकर में सामान जमा करने। ये है ऊपर ही पड़ता है भैरव बाबा के रास्ते में लॉकर, तो यहाँ पे जमा कर देंगे। और ये भी फ्री है, और ये लगभग डोमिनोज के सामने ही है, अगर आप आते हैं यहाँ तो जमा कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे मिलते हैं, अगर हो सके तो अपना ताला चाबी साथ में लाएंगे तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो कई बार लाइन लग जाती है। तो चलिए जमा करते हैं, फिर दर्शनों के बाद आपसे मिलते हैं। जय माता दी। अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं लॉकर के पास, तो हमने अपना सामान निकाल लिया, और देखिए एकदम से पूरे भवन पे धुंध छा गई है, और बारिश 2 घंटे से लगातार हो ही रही है बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए आपको आगे तक लेके चलता हूँ 5 नंबर गेट तक, और दर्शन कराता हूँ पूरे भवन के, और बारिश काफ़ी तेज हो रही है। तो चलिए आगे मिलते हैं। जय माता दी। अभी हम भवन पे हैं, दर्शन करके आ चुके हैं भवन। ये भवन की सजावट है देखिए, बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया गया पूरे भवन को अंदर तक। Oh,
जो हरदोई आई हुई है बारिश बहुत तेज हो रही है। अभी लगभग हम 8:30 बजे लाइन में लगे थे, जब से ही बारिश हो रही है अभी तक बंद नहीं हुई है। ये यहाँ से एंट्री है गेट नंबर 3 की, स्काई वॉक ये है पूरा अभी बन के तैयार हुआ है। देखिए ये रहा सामने स्काई वॉक, ठीक है। जय माता रानी का भवन। बारिश ही हो रही है देखिए अभी तक। बारिश की वजह से यहाँ पे माता की मूर्ति को ढक दिया गया है, बारिश बहुत तेज हो रही थी। पूरे भवन पे बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी है, पूरे भोलेनाथ जी और माता पार्वती हैं यहाँ पे। दुर्गा भवन, यहाँ पे डोमेस्ट्री भी मिल जाती है। और ये देखिए ये कालिका भवन ऊपर, तो ये गेट नंबर 5 यहाँ से भी एंट्री होती है। और ये है दुर्गा भवन, और सभी लोग यहाँ से दर्शन करके वापस ही आ रहे हैं। और ये तृप्ति भोजनालय है, तो सभी यहाँ से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो हमने भी दर्शन कर लिए थे, तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। आशा करता हूँ यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। जय माता दी।